नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पदभार संभाला ही नहीं है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, अगर कुछ देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए कदम उठाते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह धमकी उन्होंने ब्रिक्स देशों को दी है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस समूह में तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया भी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि कई अन्य देशों ने भी इसमें शामिल होने की रुचि दिखाई है। बता दें, अमेरिकी डॉलर का वैश्विक व्यापार में प्रमुख स्थान है और यह दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार डॉलर वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 58% हिस्सा है और तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं का व्यापार भी डॉलर में होता है। हालांकि ब्रिक्स देशों का GDP लगातार बढ़ रहा है और ये देश डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, जिसे डीडॉलराइजेशन कहा जाता है। इससे डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये खुली धमकी दी है। ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर पर अमेरिका का नियंत्रण उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि इन देशों को यह वादा करना होगा कि वे कोई नई मुद्रा नहीं बनाएंगे और न ही ऐसी मुद्रा का समर्थन करेंगे जो अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और वे अमेरिकी बाजार में कारोबार नहीं कर पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाया था और इसे बड़ी गलती बताया। पुतिन ने कहा कि यदि अमेरिका उन्हें व्यापार करने से रोकता है तो रूस के पास अन्य विकल्प तलाशने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार में कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, जो भी देश डॉलर की जगह लेने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका से अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। विशेषज्ञ का मानना है कि निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर अपनी वैश्विक अनारक्षित मुद्रा की स्थिति को बनाए रखेगा और अन्य मुद्राओं पर इसका दबदबा बनेगा, जिसको लेकर के अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुली चेतावनी दी है और उन्होंने सीधे तौर पर अन्य नई करेंसी लाने की बात से कोसों दूर रहने का बात कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये पूरी जानकारी दी है। बता दें कि हालिया में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जो ब्रिक्स के देश थे उन्होंने इस पर विचार किया था, जिसके बाद से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते और अब जाकर के उनकी प्रतिक्रिया ब्रिक्स सम्मेलन में हुए बैठक के बाद से ये आया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति अभी भी जो बाइडेन है और 20 जनवरी वो दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।